वक्रांगी लिमिटेड द्वारा आज मध्य प्रदेश में 286 नेक्स्ट जेन वक्रांगी केंद्र के कार्यान्वयन की घोषणा की गई। इन नेक्स्ट जेन वक्रांगी केंद्रों द्वारा विशेष रूप से उत्पादन और सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इनमें बैंकिंग, एटीएम, ऑनलाइन शॉपिंग, ई गवर्नेंस, वित्तीय सेवाएं और यात्रा सुविधाओं का समावेश है। ये सभी 286 नेक्स्ट जेन वक्रांगी मध्य प्रदेश के 46 जिलों में है। मध्य प्रदेश के साथ अपने नाते के बारे में बोलते हुए वक्रांगी लिमिटेड के संस्थापक, प्रमोटर और कार्यकारी चेयरमैन दिनेश नंदवाड़ा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वोटर आईडी बनाने का लोक सेवा केंद्र प्रकल्प मिलने से हमारे इस राज्य के साथ पुराने संबंध है। मध्य प्रदेश में मिले इस मूल्यवान अनुभव के चलते हमें नेक्स्ट जेन वक्रांगी केंद्र की शुरुआत के लिए प्रोत्साहन मिला। वक्रांगी लिमिटेड के व्यवस्थापकीय संचालक और ग्रुप सीईओ अनिल खन्ना ने कहा कि ये नेक्स्ट जेन आउटलेट अब नए डिजिटल कन्वीनियंस सेंटर का मॉडल बन चुकी है, जो कई उत्पादन और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं के लिए हमने कई मशहूर संस्थाओं के साथ गठजोड़ किया है। ज्ञात रहे कि 1990 में वक्रांगी की स्थापना एक तंत्र ज्ञान पर आधारित भारत की सबसे बड़ी लास्ट माइल रिटेल आउटलेट्स देने वाली कंपनी के रूप में की गई थी और उन्होंने रियल टाइम पद्धति से ग्राहकों को बैंकिंग और वित्तीय सेवा, एटीएम, बीमा, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स और यातायात सेवा उपलब्ध कराई है। वक्रांगी द्वारा ये सभी सेवाएं विशेष रूप से ऐसी जगह पर उपलब्ध कराई जाती है जहां पर ये सेवा आसानी से उपलब्ध नहीं होती, जैसे ग्रामीण भाग, कस्बे आदि में उपलब्ध कराई जाती है। तो एक तो मॉडल बहुत बड़ी अद्भुत है जो वर्ल्ड में कहीं नहीं है, जिसने मेरे को अट्रैक्ट किया कि भाई वक्रांगी का मॉडल बहुत बढ़िया है। दूसरा, आप स्केल देखिए, अभी दिनेश जी बात कर रहे हैं 3504 केंद्रों की, हम लोग नेक्स्ट चार या पाँच साल में इसको 3 लाख स्टोर तक लेके जाएंगे। होता है एक नेक्स्ट जेन वक्रांगी केंद्र जो है पूरा कन्वीनियंस स्टोर है, पूरी सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध होती है। उसमें बैंकिंग होता है, बैंकिंग के अंदर आप बैंक अकाउंट, नेशनलाइज बैंक के अंदर बैंक अकाउंट खोल सकते हो, कैश जमा करा सकते हो, कैश विड्रॉल कर सकते हो, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। वहाँ पे एटीएम है, आरबीआई का हमारे पास लाइसेंस है, जिसके तहत हम हर वक्रांगी केंद्र में एक एटीएम होता है। जो एक नॉर्मल एटीएम होता है वैसे ही एटीएम काम करता है, इसमें सब तरह के कार्ड इसके अंदर काम करते हैं। तो भी आप ये हमारा मैक्सिमम जो है ग्राम पंचायत एरिया में खोलने का ज़्यादा प्लान है। हमारे जो स्टोर्स हैं वो 70% से 75% Tier 5 Tier 6 में। तो अभी आप वहाँ देखिए कि Tier 5 Tier 6 के अंदर जब ये वक्रांगी केंद्र खुल जाता है तो उसको वहाँ पे सारी सुविधाएं मिलती है। उसको सारा वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस बैंकिंग मिलती है, आधार बेस्ड बैंक अकाउंट खुलता है जिसमें कोई एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं, आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं, पूरा आधार से लिंक रहता है। कैश जमा करा सकता है वो बिना पेन स्लिप के, कैश विड्रॉ कर सकता है बिना चेकबुक के सिग्नेचर के। वहाँ पे ATM फैसिलिटी है, वहाँ पे अमेजोन के सारे 20 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। नेटमेट की जो सारी दवाइयाँ हैं वो अवेलेबल होती है, ये मिलती नहीं है। बैंक उनको 40-50 किलोमीटर जाना पड़ता है, ATM के लिए 30-40 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो जो जो भी हमारी सुविधाएं जो हमारे केंद्र में मिलती हैं वो गाँव में उपलब्ध नहीं है। और हमने जो भी 3504 बनाए हैं उसका जो हमें उसके जो रिज़ल्ट मिल रहे हैं उसमें हमें यही दिख रहा है कि गाँव में मॉडल ज़्यादा सक्सेसफुल है शहरों से ज़्यादा। अब शहर में तो ATM बहुत होते हैं, गांव में ATM कहाँ होगा छोटे गांव में, या बैंक कहाँ होगा छोटे गांव में। मन चाहती है कि हर 5 किलोमीटर पर बैंक हो, वो कौन पर प्रदान कर सकता है, वो वक्रांगी पर वो कर सकता है।